कैसे दोस्तों, आज का व्लॉग जो है वो मैं शुरू करने वाला हूँ। एक्चुअली यार मुझे समझ में नहीं आता कि जब इसको व्लॉग को शुरू करते हैं तो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो बस अभी बाइक स्टार्ट की मैंने और अपना कैमरा जो है वो लगाया। मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा कि कैमरा कैसे लगाता हूँ, तो यार आप लोग प्लीज़ मेरा मजाक मत उड़ाना तब जब मैं आपको कैमरा कैसे लगाता हूँ दिखाऊंगा। तो किसी को पता भी नहीं लगता है कि मैंने कैमरा लगाया हुआ। सेटअप बहुत ज़बरदस्त है, ये बुलेट वाले भाई साहब बहुत तेज़ भगा रहे थे। आ जाओ भाई, एक बार जब स्पीड पकड़ लेती है ना गाड़ी तो यार बाइक का, अब कभी भी मैं उदास होता हूँ ना जब, तो मेरा पता नहीं क्यों मन करता है कि यार बाइक चलाएं। अगर आपका भी ऐसे ही मन करता है ना तो यार कमेंट में ज़रूर बताना कि किसका किसका मन करता है जब घर में कोई झगड़ा हो जाता है किसी के साथ में, या किसी के साथ भी, किसी फ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ या किसी के साथ, तो क्या करते हो, क्या बाइक उठा करके सुकून मिलता है कि नहीं मिलता है। और ऐसी चीज़ है यार बाइक ना, मैं आपको बताऊं कि मेरा मन भरता ही नहीं है कभी भी। अगर मुझे 5 किलोमीटर कहीं पे जाना हो ना तो मेरा ये होता है कि यार 5 किलोमीटर छोड़ घूम के चलते हैं, 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर से चलते हैं। जहाँ तक पेट्रोल बचाने की बात है तो वो बंदा सोचता ही नहीं है जब उसके हाथ में थ्रॉटल होती है, तो तब तो बस ये सोचता है कि इसको भगा लूँ कितना भी। हाँ लेकिन थोड़ा सेफ़ चलना चाहिए। अभी रोड के ऊपर चलते हुए जो फील कर रहा हूँ ना, जो मज़ा आ रहा है ना मुझे, वो मैं आपको, मतलब वीडियो देख रहे हो तो शायद आपको पता लग ही रहा होगा। और गाड़ी मैं कोई बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा हूँ, ये रोड ऐसी बनी हुई है, साफ़ सुथरी रोड है, अच्छी रोड है, तो इसीलिए थोड़ा मैं इसको भगा रहा हूँ गाड़ी को। नहीं तो वैसे नॉर्मली जो है मैं अपनी बाइक को ज़्यादा तेज़ नहीं चलाता हूँ। कई बार गाड़ी वाले जो होते हैं ना वो थोड़ा सा जैसे रोड रेज हो जाता है ना, तो इस तरह से गुस्सा कर लेते हैं यार किसी गाड़ी वाले के पास से निकलो तो। अभी तो जैसे मैं 100 पे चला गया था, लेकिन हमेशा मैं 100 पे नहीं चलाता हूँ। ये देखो जैसे रोड है, इंडियन रोड्स हैं, कहीं पर भी आपको कंस्ट्रक्शन का काम बीच में मिल जाएगा और आपको उसका पता भी नहीं चलेगा। अभी यहाँ थोड़ा धीरे कर ही लेता हूँ यार मैं, एकदम से थोड़ा धीरे चलते हैं यहाँ से। जा रहे हैं यहाँ पे, ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं बनाऊंगा मैं आज। ये देखो ये गाड़ी वालों को ना ये चीज़ पता नहीं मुझे कि उनको समझ क्यों नहीं आती है। भाई तुम लोगों के पास गाड़ी है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा हक मिल गया है तुम लोगों को इस तरह से रोड के ऊपर रोड क्रॉस करने का। अब मान लो कि कोई बंदा तेज़ आ रहा है, उसका एक सेकंड के लिए भी ध्यान इधर उधर हुआ तो तुम तो गाड़ी ला करके आगे खड़ी कर दोगी, ठोक देगा अगला। ये देखो ये भाई साहब को मुड़ना था और इन्होंने मेरी बाइक रुकवा करके इंडिकेटर दे करके और ये मुड़े हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं यार दुनिया में भरे पड़े ना, कि समझ नहीं आती इनका करें क्या। अगर आप धीरे चल रहे हो ना तो सामने वाला तो बस आपको कुछ समझेगा ही नहीं, उसको लगेगा कि बस ये तो रोड पे चले ही क्यों रहा है। कभी भी देख लेना अगर आपके बाइक में हॉर्न बड़े लगे हुए हैं, आप बाइक तेज़ चला रहे हो, आपके आगे कोई जल्दी आएगा ही नहीं, और एकदम शराफत से बाइक चला रहे हो, हॉर्न छोटे वाला टीटी वाला लगा हुआ है, तो साला कोई भी ये समझेगा कि यार इसका क्या है, इसको तो इसको पीछे हटने की ज़रूरत ही नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों सोचते हैं यार लोग, ऐसा नहीं सोचना चाहिए भाई। ये ऑटो वाले को ऐसे ही मत समझो, ये इतना भगाते हैं ना इनका ऑटो, ये साला धुआं निकाल देते हैं इनका। व्लॉग कैसा लगा यार मुझे ज़रूर बताया करो कमेंट करके, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं अभी, और साथ ही साथ जो लोग देखते भी हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करो भाई, तभी तो थोड़ा हौसला मिलेगा तुम्हारे भाई को। तो आज का व्लॉग हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाले हैं, बस यहीं पे इसको व्लॉग को हम लोग ख़त्म करने वाले हैं और फिर एक नई वीडियो में फिर से मिलेंगे जब नया व्लॉग बनाएंगे। व्लॉग क्या यार, बस रोड पे चलते हुए आप लोगों से बातें कर लेता हूँ। आप भी सब्सक्राइब कर दो कि आगे हम क्या बातें करते हैं, फैमिली में जुड़ जाओ यार, हमारे रेडर ग्रुप में जुड़ जाओ आप लोग। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।